दोस्तों जिंक फसल के ऊपर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और किसान भाई जो गलती करता है कि जिंक को बहुत ही ज्यादा अवॉइड करते हैं, यानी कि किसान भाई सोचते हैं जिंक क्या ऐसा इतना फायदा दिखा देगा फसल के ऊपर, क्योंकि जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, लेकिन जिंक फसल के ऊपर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिंक के बारे में दे देंगे। एक्चुअली जिंक क्या होता है, जिंक को हम लोग फसल में प्रयोग करने पर क्या क्या फायदा मिलता है, जिंक को हम लोग कब कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फसल के ऊपर जिंक का जो डेफिशिएंसी होता है उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे फसल में जिंक का ही डेफिशिएंसी हुआ है, उसके अलावा बाजार में कौन कौन सी फॉर्मुलेशन में और कौन कौन सी ब्रांड का जिंक मिलता है, कितने प्राइस के ऊपर मिलता है, पूरे डिटेल्स में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ जिंक के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंक क्या होता है। तो जिंक एक पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को बता देते हैं कि एक पौधे को ग्रो करने के लिए 17 प्रकार की पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है। उसमें से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तो तीन जो है वो पानी और हवा से ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन बाकी जो पड़े 13 से 14 पोषक तत्व होता है उसमें से मेन जो न्यूट्रिएंट होता है एनपीके जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास होता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम होता है, और उसके अलावा बाकी जो 7-8 न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर पड़ता है, उसमें से बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये सब पड़ता है। तो ये जो 17 प्रकार की न्यूट्रिएंट होता है ये सब एक पौधे को ग्रो करने के लिए लगता है। लेकिन आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, जिंक उतना तो ज्यादा मात्रा में पौधे को जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उतना कम भी नहीं है, क्योंकि किसान भाई क्या करता है, बिल्कुल जिंक को पौधे में डालते ही नहीं है, जिस वजह से जिंक का कमी बहुत ही ज्यादा आजकल दिखाई देना पड़ता है। आप बात कर लेते हैं जिंक को हम लोग फसल के ऊपर अगर डालेंगे तो क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला फायदा, तो मेन फायदा ये होता है, किसी भी पौधे में अगर हम लोग जिंक को डाल रहे हैं तो जिंक क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। क्लोरोफिल यानी क्या होता है, पौधे का जो हरापन देखने को मिलता है पत्ते में वो आप लोगों का क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल का जो मात्रा को बढ़ाता है वो होता है जिंक, इसीलिए जिंक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है फसल के लिए। उसके अलावा दोस्तों जिंक को अगर आप लोग किसी भी फसल में डालेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने में भी मदद करता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, उसको निर्माण करने में भी मदद करता है जिंक। उसके अलावा फल का साइज को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ धान में अगर आप लोग जिंक को डालते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि धान में सबसे ज्यादा जिंक का जरूरत पड़ता है। जिंक अगर आप लोग डालते हैं धान में तो धान का कल्ले, धान का साइज बहुत ही ज्यादा, धान का जो वजन होता है वो भी ज्यादा होता है जिंक को डालने पर। उसके साथ साथ दोस्तों जिंक को डालने से प्रोटीन और एंजाइम को सक्रिय करने में भी मदद करता है, जिस वजह से जिंक को प्रयोग करने पर काफी ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं फसल के ऊपर अगर जिंक का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, यानी कि पौधे में अगर जिंक का कमी देखने को मिलता है तो उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि मेरा फसल में जिंक का ही कमी हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहला जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि पौधे का जो नया नया पत्तियां होता है, ऊपर की पत्तियां, वो आप लोगों को पीला देखने को मिलेगा। लेकिन तो पीला बहुत सारे कारण से होता है, ऐसा नहीं कि जिंक के कारण से होता है, लेकिन जिंक का कारण कब हम लोगों को पता चलेगा, तो तभी आप लोगों को पता चलेगा ऊपर की तरफ जो पत्ता होता है पौधे का वो ही आप लोगों को पीला देखने को मिलेगा। एक तो ये है, उसके अलावा कभी कभी पत्तियों में हल्का ग्रीननेस भी देखने को मिलेगा और पीलापन भी देखने को मिलेगा, तब आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें जिंक का कमी है। उसके अलावा जिंक की कमी की वजह से आप लोगों का इंटरनोड जो होता है, यानी कि एक गांठ से दूसरी गांठ का जो दूरी होता है वो भी आप लोगों को छोटा देखने के लिए मिलता है, ये भी एक जिंक का डेफिशिएंसी है। उसके साथ साथ अगर धान की बात की जाए तो धान में आप लोग जिंक का कमी की वजह से कुछ इस तरीके से होता है, जिसको खोइरा डिजीज नाम से जाना जाता है, और सबसे ज्यादा धान की फसल में इसका कमी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं कि हमारे फसल में जिंक का कमी हुआ है। आप बात कर लेते हैं दोस्तों बाजार में आप लोगों को कौन कौन सी फॉर्मुलेशन में और कितने प्रकार की जिंक मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जिंक आप लोगों को तीन प्रकार की मिलता है। एक तो जिंक सल्फेट आता है जो कि 33% और 21% के साथ आता है, उसमें आप लोगों को 15% सल्फर भी मिल जाता है। उसके अलावा जिंक ऑक्साइड आता है और एक जिंक एडिट ये आता है जो कि आजकल बाजार में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और किसान भाई इसको स्प्रे के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
अब बात कर लेते हैं जिंक को हम लोग कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिंक सल्फेट जो मिलता है वो आप लोगों को सॉयल एप्लीकेशन की मदद से ही देना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों जिंक जो ऑक्साइड आता है उसको भी आप लोग स्प्रे की मदद से ही डाल सकते हैं, और जो जिंक एडिटी आता है जो कि चिलेटेड फॉर्म में मिलता है वो भी आप लोग स्प्रे के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग कितने मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग जिंक सल्फेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप लोगों को 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को खाद के साथ मिला करके डाल देना है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खाद हम लोग डाल रहे हैं उसके साथ जिंक सल्फेट तो हम लोग मिक्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें नाइट्रेट युक्त जो फर्टिलाइजर होता है उसको आप लोगों को नहीं मिलाना चाहिए जिंक के साथ, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जो जिंक ऑक्साइड का डोज होता है वो आप लोगों को 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में, या फिर आप लोगों को 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को स्प्रे की मदद से डाल सकते हैं। और अगर आप लोग जिंक एडीटीए को यानी कि जो चिलेटेड फॉर्म में मिलता है उसको आप लोग स्प्रे की मदद से देना चाहते हैं तो उसका जो डोज रखना है आप लोगों को 15 ग्राम 15 लीटर पानी में, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना है जिंक एडीटीए। और इस तरीके से अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग क्या दूसरे दवा के साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं जो स्प्रे के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो जिंक चिलेटेड फॉर्म में मिलता है एडीटीए। तो जी हाँ, अगर आप लोग इसको किसी भी पोषक तत्व युक्त जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है उसके साथ मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाता है। फाइनली बात कर लेते हैं इसका ब्रांड नेम और पैकिंग साइज प्राइस के ऊपर। तो जिंक सल्फेट जो मिलता है वो बाजार में बहुत सारे कंपनियों का, लगभग ए टू जेड कंपनियों का मिल जाता है, जैसे कि उसमें से इफको का भी मिलता है। और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो आप लोगों को एयरा वेरा का मिलता है और एक एफएमसी का मिलता है। और जो जिंक चिलेटेड फॉर्म में मिलता है वो भी आजकल बहुत सारे कंपनी बना रहे हैं, लेकिन अच्छा ब्रांड का ही आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे कि एरिज कंपनी का चेलामिन नाम पे मिलता है, क्रिस्टल कंपनी का तलवार नाम पे मिलता है, इस तरीके से अच्छा ब्रांड का भी मिल जाता है। आप लोग किसी भी अच्छा ब्रांड का ले सकते हैं और अपने फसल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जिंक को फसल में प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।